स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस से। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट मोलर कंडक्टिविटी इज 39.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हमें क्या गिवन है, दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन मतलब हाइड्रोजन के कितना दिया गया है, 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो एनायन दिया गया है उसका 40.9 सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। तो इसमें हमें आप समझ लेते हैं भैया क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हो गया क्वेश्चन सुन लिया आपने, चलिए भैया क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ऑफ एसिटिक एसिड। किसका निकालना है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका निकालना है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मतलब डेल एम, ठीक कितना दिया गया है, 39.05 दिया गया है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, और इसके साथ साथ क्या हमें गिवन है, गिवन है हमारे पास दो चीज गिवन है। एक तो हमारा जो कैटायन के लिए आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन H प्लस कितना दिया गया है, 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, और जो डेल ऑफ CH3COOH दिया गया है वो हमारा 40.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया गया है। ठीक भैया, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, इतना सारा गिवन है। तो इस केस से अगर मैं देखूं तो सिंपली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखूंगा और सॉल्व कर दूंगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए भैया सॉल्यूशन, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ भैया, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, समझ आ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरली ये रेशियो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, समझ आ गया। एनी कंसेंट्रेशन मतलब कंसेंट्रेशन सी पे और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, ठीक, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास दिया गया है भैया मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन, मतलब जो लिमिटिंग सॉरी मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है उसी को हम एनी कंसेंट्रेशन पे मान लेंगे। 39.05 दिया गया है और हमारे पास तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया नहीं गया है, बट गिवन है ये। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले निकाल लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से क्या होता है, जो हम कोलेरोस लॉ से पढ़े थे उसी के हिसाब से इक्वेशन से लिख सकते हैं, दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का दिया है 349.6 प्लस 40.9, तो इसको एड अप कर देंगे। चलिए भैया एड अप कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 6, 15 और ये आ जाएगा 1 एड अप होगा, और ये 9, 1, 10 तो 1 हो जाएगा फिर से, और फिर ये एक फिर से इसके साथ 4, 4, 8, 1, 9 और ये आ जाएगा 391.5 आ रहा है। हाँ भैया, ये क्या दिया है, ये 4 है ना, ये सॉरी नॉट आई का दिख रहा है, ये से 4 है, ठीक। तो ये आ जाएगा भैया लिमिटिंग सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को डायरेक्टली हमें यहाँ पुट कर देना है, 391.5 तो क्या कर दूंगा 0.5। अब भैया ऊपर वाले में दिया गिवन है हमारा पास 39.05 दिया गया है, तो जनरली इसे एक क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है, तो इसको क्या अप एंड डाउन को मान मुन के कर लेते हैं काम तमाम। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इससे डिवाइड करूँगा, ऊपर में कितना है, तो ऊपर में मेरा हो जाएगा
ऊपर यहाँ 10 है, तो अगर मैं पॉइंट को रिमूव करता हूँ, जनरली पॉइंट को रिमूव कर रहा हूँ, तो इजिली मैं पॉइंट को रिमूव कर सकता हूँ। ऊपर में पॉइंट कितना, 2 डेसिमल के बाद लिखा था, तो नीचे कितना हो जाएगा 100, यहाँ 1 था तो ऊपर में 10, ठीक। तो ये पूरा पॉइंट हट चुका है। जनरली इसे मैं अगर सिंपली सॉल्व करता हूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक। और 0 0 कैंसल और ये आ जाएगा 10, तो ये 10 और ये क्या हो जाएगा, अगर वैसे सिंपल देखा जाए तो अल्फा इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा, ठीक। तो सिंपल मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, 0.1, ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक हो गया। लिख लीजिए 1 2 3 ए बी सी डी हो गया कंप्लीट का। अब रब करते हैं, साथ डस्टर कहाँ रख दें, आधा ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेकर हमने बात की, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। भैया क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो तो आपको क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। हाँ भैया, और याद रखने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ ना होने वाला, कोई कुछ ना उखाड़ पाएगा, ठीक। आप जरूर पढ़ लेंगे, गेन कर लेंगे नॉलेज को, पर वो नॉलेज कोई टिकेगा नहीं आपके दिमाग में, ठीक। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल एसिटिक एसिड इज 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द एसिटिक एसिड इज 390 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ठीक। तो ये दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट में है, कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन जनरली हार्ड होते हैं, वो भी दिल्ली की बात करूँ तो थोड़ा और हार्ड होते हैं। चलिए भैया थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख देते हैं, तो इससे क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा आखिरकार क्वेश्चन मांग क्या रहा है, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल ऑफ एसिटिक एसिड दिया गया है, ठीक भैया। तो 0.001 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड CH3COOH हमारे पास दिया गया है। अब इसकी क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी याद है, हाँ भैया कंडक्टिविटी जो हमने पढ़ा था जिसे जी से डोनेट करते हैं, जनरली के से भी डोनेट, जी फॉर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, या कंडक्टिविटी सॉरी जी फॉर कंडक्टेंस, के फॉर कंडक्टिविटी, तो इसी की जगह मैं क्या लिख दूंगा के। और CH3COOH कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर। अब अगर आपको एक हिंट भी बता देता हूँ एग्जाम में, अगर आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो कि आखिरकार यहाँ दिया गया क्या है, तो अगर आपको उसका SI यूनिट समझ जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, एक यहाँ हिंट मिल जाएगा कि ये चीज़ है क्या। देखिए सीमेंस सेंटीमीटर क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर होता है हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक। कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टर इज इक्वल टू 1/R और 1/ρ, मतलब 1/ रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी जिसे के से डोनेट करते हैं, तो कंडक्टिविटी हमें सीमेंस सेंटीमीटर, इसको सीमेंस सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पास आपको किससे, इसकी SI यूनिट से भी पता कर सकते हैं, कितने की दिया गया है, 0.001 मोल का दिया गया है, कंडक्टिविटी किसका है 0.001 मोल, तो यहाँ हमें मोल भी पता गया है कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 0.001 मोल दिया गया है, तो दूसरा चीज पता चल गया, चलो भैया बहुत अच्छा हुआ। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट याद है कि इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को डोनेट करते थे, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन को निकालना है ऑफ एसिटिक एसिड। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ फॉर द एसिटिक एसिड इज, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है इसका मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया गया है कितना, 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वही मोल पर मोल दिया गया है, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, के ए फाइंड करना है, हो गया समझ आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास कंडक्टिविटी 0.00 वो मोल का कितना दिया गया, 4 × 10⁻⁵, यहाँ मोलर कंडक्टेंस हमें निकालना है, सॉरी मोलर कंडक्टेंस दिया गया है, हमें क्या निकालना है, के ए निकालना, मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना है, ठीक। ये हो गया, अब रब करते हैं,
और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं के की क्या लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे और क्या क्या जरूरत है। जनरली के क्या होता है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ठीक, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ठीक है भैया, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जनरली डिसोसिएशन कांस्टेंट में हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। सी तो भैया मालूम है, कंसंट्रेशन 0.001 मोल है, ठीक। अल्फा स्क्वायर कैसे निकल आएंगे, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इससे पहले अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मालूम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डेल एम मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन टू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो जाएगा। अब भैया हमारे पास तो ये दिया गया है, मतलब ये हमारे पास है, बट हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नाखो है, ठीक, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, हमें क्या दिया गया है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बोला गया है, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दी गई है, हमें कंडक्टिविटी निकालना है, कंफ्यूजन हो रहा था, अब क्लियर है। मतलब हमें सबसे पहले ये भी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी होता है मैम। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है, के कितना है हमारा जनरली, हाँ के इज कंडक्टिविटी, दैट इज 4 × 10⁻⁵ × 1000। इसके बाद आ जाएगा ये एम 0.001। तो सिंपली अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10⁻³, और यहां क्या आ जाएगा, 10⁻⁵, तो 4 × 10⁻², बचेगा ऊपर में 3 माइनस हो जाएगा 5 से, ये जिन नीचे में बचेगा 1 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, ठीक भैया, -3 ऊपर में चल देगा, तो जनरली एक क्या हो जाएगा, ये 2 और 3, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 40 आ जाएगा, ठीक। तो 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट याद रखना है, यूनिट याद रखना है, ठीक। तो आ जाएगा भैया मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास निकल गया। अब मोलर कंडक्टिविटी मालूम है, मोलर कंडक्टेंस भी मालूम है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करो और निकाल दो। तो सिंपल मैं इसी वैल्यू को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो इज इक्वल टू 40/390 आ जाएगा, ठीक। अब इसी अल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 0 0 कैंसिल, तो इसका कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर। तो क्या हो जाएगा, 4/39, तो ये आ जाएगा 0.1, क्या आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो 0.1, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा 0.1 आ गया, ये हो गया, मिटा रहा हूं, इससे पहले लिख लो भैया ए बी सी डी, हाँ आज सिंपल मैं सारी चीज को मिटा रहा हूँ क्योंकि इन सब की चीजों का काम अब नहीं है, ये हो गया, ये नहीं जरूरत है, सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत थी जो हमें अब मालूम है। अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.1, ठीक। तो 0.1 अब क्या कर दूंगा, के इज इक्वल टू सी, तो हमें कंसंट्रेशन मोल, सी क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 0.001 दिया गया है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर भैया क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जी, तो ये भैया 10⁻²⁻⁰ - 0.1। अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0.001 × 0.1 का सिंपल मैं 0.1, अगर इसको आसानी में लिखना चाहूँ तो 0.1 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁹ लिख सकता हूँ, 10⁻⁹ - 10⁻⁹, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक। और 0.1 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 0.9 आ जाएगा, हो गया, ठीक है भैया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ तो
अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और 1, 2, 3 मतलब 10^-3, और सिंपल इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10^-1, -1 और -2, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 2, और ये क्या हो जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक, सिंपल। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक किसी को एक और किसी में बढ़ा देता हूँ, 2, 2, 4 हो जाएगा। और इसको मैं 10^ क्या कर देता हूँ, सिंपल 10^-5 कर देता हूँ, और (10) कर देता हूँ, 8 × 10, ताकि ये 9 डिवाइड हो जाए। तो कितना आ जाएगा, 9 0.1 आ जाएगा, और (10^-5) 0.1 × 10^-5, तो यही आ जाएगा भैया इसका आंसर, KA। अब मैच कर लेते हैं, कितना आ गया भैया, हाँ कहीं गलत है क्या, 0.1 कहीं कैलकुलेशन में गलत हुए हैं। दैट हमारा कहाँ मिस्टेक हुआ है, हमारा एक जगह, क्योंकि 10^-3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक सर्टन वैल्यू होती है। तो 10^-3 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, क्योंकि हमने एक जगह यहाँ गलती किया है। दैट के तो लिखा, के की वैल्यू पुट की मैंने कंडक्टिविटी, बट इसके सामने 1000 × नहीं किया, तो जनरली 1000 × करूँगा तो 2010 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये जनरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डायरेक्ट मैं 1000 × कर देता हूँ, तो अल्फा क्या आ जाएगा, 0.0525 ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया था, अगली बार से थोड़ा और ध्यान देंगे, दिमाग कहीं और चल रहा है लग रहा है मेरा। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसके बाद आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हुआ मैदान में, यह और ये है हमारा 4 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आगे आने वाला, जो कि आपके बोर्ड में किसी एक साल में आया था, क्योंकि मैं सारे सारे जो क्वेश्चन उठाता हूँ वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं। उससे पहले द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 mole of NaCl solution at 25 degree centigrade is 200 ohms. The cell constant of the conductivity cell used is unity. कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दी सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी हमें सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया गया भैया, रेजिस्टेंस दिया गया है NaCl सोल्यूशन का, कितने टेम्परेचर पे, एक रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, 200 ohms दिया गया है। ठीक, और एक सेल कॉन्स्टेंट दिया गया है, द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ फॉर दी कंडक्टिविटी सेल यूज इज यूनिट, मतलब इन सबको क्या कर दे रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी हमें सोल्यूशन का निकालना है। सबसे पहले जो जो दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 200, मतलब R इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 200 ohms दिया गया है। ठीक, पहला मोल्स कितना दिया गया है, मतलब मोलैरिटी 0.01 moles दिया गया है, कितने किसका है, NaCl का, और वो भी रेजिस्टेंस ही किसका है, एक सोल्यूशन है NaCl का रेजिस्टेंस है। द सेल कॉन्स्टेंट फॉर द कंडक्टिविटी सेल यूज इज यूनाइटेड, ठीक, मतलब एक साथ जोड़ दिया जा रहा है। द सेल कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी मतलब हमें डेल एम निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो भैया हमारे पास रेजिस्टेंस दिया गया है, मोलैरिटी दिया गया है, और हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी के सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, K × 1000/m, तो हमें इससे समझ आ जाएगा। अब भैया K तो हमें दिया नहीं गया है, तो जनरली हमें कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या मालूम है, दैट हमें कंडक्टेंस मालूम है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R, और 1/R की जगह क्या लेके चल सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू ρL/A होता है, और 1/ρ इज इक्वल टू, मैं 1/ρ इज इक्वल टू, मैं क्या बोला हूँ, कंडक्टिविटी होता है। हाँ भैया कंडक्टिविटी होता है, तो 1/ρ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी निकाल ले सकता हूँ। तो जनरली इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/ρ इज इक्वल टू 1/KL और A,
लेके चल, लिख के चल सकता हूँ। ठीक हो गया भैया। हाँ, और जनरली अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो भी एक और इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि हमें तो ये कंडक्टेंस में मिल जाएगा, तो कंडक्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा रिएक्शन आगे जाके। अगर मैं सिंपली क्या ले लूँ, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। ठीक, रो एल बाय ए होता है। सिंपली अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ रो के रिस्पेक्ट में होता है, रजिस्टिविटी के रिस्पेक्ट में इसको निकालता हूँ, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। और हमारा जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रजिस्टिविटी, सिंपल वन अपॉन रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर ए बाय एल, आर इंटू ए इंटू एल। ठीक, तो ये रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ कंडक्टिविटी हमारे पास रेजिस्टेंस दिया गया है, लेंथ और एरिया को क्या बोल के चल रहा है, कांस्टेंट मान के चल रहा है। तो भैया ये चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसकी जगह क्या मान लूंगा मैं, जनरली रिएक्शन में इसको मैं वन मान के चलूंगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू वन बाय जी 200 ओम्स, तो 200 ओम्स ये आ जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। और इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फाइनल हमारा आ जाएगा। चलो भैया मैं वैसे ही करता हूँ और पुट करके आंसर ला लेते हैं। तो ये सब मैं रब कर देता हूँ, ये सब कोई काम का नहीं है। आपको फॉर्मूला है काम का, जो ये भी कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। आपका जो फॉर्मूला काम का है ये वाला। ठीक, तो के इज अ कस्टू में क्या आ गया, इसको साइड में लिख दे रहा हूँ, के इज अ कस्टू वन बाय रो होता है, वन बाय रो इज अ कस्टू एल इंटू आर, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक, इसको रब कर देता हूँ। अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ अपना क्वेश्चन, जो अपने को यूज करना है सॉल्व करने के लिए। ठीक, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, के की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वह एल बाय ए, पर यहाँ लेंथ इनटू एरिया क्या मान के चल रहा है, यूनिटी मान के चल रहा है। दैट हमारा काम मिस्टेक हुआ है, हमारा एक जगह, क्योंकि 10^-3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक सर्टन वैल्यू होती है, तो 10^-3 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, क्योंकि हमने एक जगह यहाँ गलती किया है। दैट के तो लिखा, के की वैल्यू पुट की मैंने कंडक्टिविटी, बट इसके सामने 1000 इंटू नहीं किया, तो जनरली 1000 इंटू करूँगा तो 2010 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये जनरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डायरेक्ट मैं 1000 इंटू कर देता हूँ, तो अल्फा क्या आ जाएगा, 0.0525, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया था, अगली बार से थोड़ा सा और ध्यान देंगे, दिमाग कहीं और चल रहा है लग रहा है मेरा। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हुआ मैदान में, यह और ये है हमारा 4-3 मार्क्स का क्वेश्चन आगे आने वाला, जो कि आपके बोर्ड में किसी एक साल में आया था, क्योंकि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन उठाता हूँ वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है।